जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम पर्यावरण से जो टॉपिक है स्वस्थ एवं रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इससे पहले कि जो टॉपिक है पर्यावरण पौधे, पर्यावरण जंतु और पर्यावरण भोजन एवं पोषण से संबंधित जो तीन टॉपिक थे, इनके वीडियो आपको इसी चैनल पर आपके लिए मिल जाएंगे, अपलोड कर दिए हमने। तो भाई देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं पर्यावरण पौधे से संबंधित, पर्यावरण जंतु से संबंधित और पर्यावरण भोजन और पोषण से संबंधित। तो यह जो चौथा टॉपिक है अपना, वह है स्वस्थ एवं रोग। तो स्वस्थ एवं रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और आपको बेल आइकन को दबाना है जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो और PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF फाइल हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं। और स्टडी मटेरियल, सभी विषय संबंधित स्टडी मटेरियल भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि किन बीमारियों के लिए DPT का टीका दिया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन बीमारियों के लिए DPT का टीका दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। तो इसका जो आंसर है वह है काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। इसका जो DPT का टीका दिया जाता है, इन बीमारियों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पोलियो होता है, तो पोलियो किससे होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर पोलियो होता है, तो जो पोलियो होता है वह किससे होता है। तो आपका आंसर होगा दूषित जल एवं भोजन से, दूषित जल एवं भोजन से पोलियो होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो कौन सा वह विटामिन है, जल्दी से अगर आपसे बनता है तो आप आंसर जरूर बताएं कमेंट में। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है B12 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अस्थमा बीमारी है, तो कौन सी बीमारी है अस्थमा बीमारी है। तो यह सांस की, जो सांस अस्थमा जो बीमारी है किसकी है, सांस की यह बीमारी है अस्थमा। अगला क्वेश्चन है इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं, यह बीमारी है। तो कौन सी बीमारी है, तो यह बीमारी है मलेरिया। कौन सी बीमारी है, मलेरिया। एन की 5वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा मलेरिया, कि इस बीमारी को दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं, यह बीमारी है। तो यह बीमारी होगी मलेरिया। अगला क्वेश्चन है सूखा, क्वेश्चन नंबर 6वां है सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। तो यहाँ पर आपको सूखा रोग पूछा है, तो सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग। अगला क्वेश्चन है यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है, यह रोग है। तो यह रोग कौन सा है, यह रोग है पैचेस। कौन सा रोग है, पैचेस। यह पैचेस रोग किससे होता है, मक्खियों द्वारा फैलता है पैचेस रोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है, तो वो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा। तो किस प्रकार के फल खाने का जो सुझाव देगा, तो आपका आंसर होगा खट्टे एवं गूदेदार। क्या होगा, खट्टे एवं गूदेदार विकल्प जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका खट्टे एवं गूदेदार आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई है, तो उस महिला में किस तत्व की कमी है। तो कौन से तत्व की कमी है, तो
तो आपका आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन इसका सही आंसर है कि गले की महिला की गले की ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई तो उस महिला में किस तत्व की कमी है, तो आपका आंसर होगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित, यहाँ पर आपसे जीवाणु जनित रोग पूछा है, तो जीवाणु जनित रोग है तो कौन सा है, तो कौन, निमोनिया और तपेदिक, जो तीन रोग हैं यह जीवाणु जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो क्या हो सकता है उसको, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है मोटापा। मोटापा इसका आंसर होगा, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट वसा की अधिकता होगी तो क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसा की कमी से होने वाला रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा है, तो कौन सा है, जो लक्षण यहाँ पर बताना है, प्रमुख लक्षण कौन सा है कि वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण, तो आपका आंसर होगा हार्मोनिक असंतुलन। हार्मोनिक और असंतुलन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कारणों से मिलकर बना होता है, यह इकाइयां कहलाती हैं, तो जो इकाइयां हैं वह क्या कहलाती हैं, तो वह कहलाती हैं अमीनो अम्ल। क्या कहलाती हैं, अमीनो अम्ल कहलाती हैं। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कारणों से मिलकर बना होता है, तो वह इकाइयां कहलाती हैं अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है, तो जल्दी से बताइए कि कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा हैजा। हैजा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसकी मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे और अमरुद आंवला आदि खाने की सलाह देता है, वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, तो आपको बताना होगा कि जो कौन सा रोग होगा, तो कौन सी बीमारी होगी, तो आपका आंसर होगा बेरी बेरी इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर रसीले खट्टे फल अमरुद आंवला आदि खाने की सलाह देगा, वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित होगा, तो आपका आंसर होगा बेरी बेरी रोग से। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा, तो किस रोग का रोगी होगा वह, तो आपका आंसर होगा स्कर्वी रोग का रोगी होगा। यदि किसी मनुष्य को भोजन में केवल दूध और अंडे और रोटी दिए जाए तो। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है जो पेट में भोजन को पचाने के लिए, तो आपका आंसर होगा एंजाइम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से अंग में संपन्न होता है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो आपका आंसर होगा आमाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म में जीवाणु जनित बीमारी से संबंधित है, तो यहाँ पर आपसे युग्म में जीवाणु जनित बीमारी से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज, जो चार रोग हैं। निम्न में से कौन सा युग्म विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज। अगला क्वेश्चन है, डेंगू रोग का वाहक है तो कौन सा मच्छर है डेंगू रोग का वाहक, तो आपका आंसर होगा एडीज मच्छर। क्या होगा इसका आंसर, एडीज मच्छर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किससे होता है, तो जो मलेरिया रोग होता है वह किससे होता है मलेरिया रोग, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मोडियम और फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से जो मलेरिया रोग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है श्वसनिका, तो इसका आंसर होगा श्वसनिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धूमपान से होने वाला प्रमुख
रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों का जो धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है वह है कैंसर फेफड़ों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर होगा रतौंधी। रतौंधी आपका सही आंसर होगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर होगा रतौंधी। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा यकृत। यकृत के द्वारा, यकृत के द्वारा हमारे शरीर के अंग अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, तो किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, तो आपका आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि क्यों होती है पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से, तो आपका आंसर होगा 27 का जो आंसर होगा वह है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से गांव से रक्त का बहन किस विटामिन की कमी से गांव से रक्त बहना नहीं रुकता, तो आपका आंसर होगा विटामिन के इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग आपको बताना है, तो कौन सा रोग है चूहों के द्वारा फैलता है जो, तो आपका आंसर होगा प्लेग। प्लेग जो रोग है यह किसके द्वारा फैलता है, चूहों के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का आपको आंसर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, तो आपका आंसर होगा CO इसका सही आंसर हो जाएगा कि CO गैस की गहन जो संलग्नता वो हीमोग्लोबिन से होती है। अगला क्वेश्चन है 31 का आंसर है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित हैं, तो कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और रक्त अल्पता और लोहे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है, तो क्या होगा इसका आंसर कि निम्न में से रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है, तो वह फैलता है डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया। यह तीन जो रोग होते हैं यह मच्छरों के समूह से फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, तो कौन सा है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा जुकाम इसका सही आंसर हो जाएगा। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुकाम। अगला क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए, तो आपका आंसर होगा आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। हीमोग्लोबिन, उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक्वासियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो जो यह रोग है यह प्रोटीन की कमी से यह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 36 का आंसर होगा, क्वेश्चन यह है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी है वह है स्कर्वी। ध्यान रखना कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का आप नाम बताएं, तो आपका आंसर होगा स्कर्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो आपका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़ और आंवला, हरी पत्ते, सब्जियां खाने का सुझाव देता है, यह तो मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो आपका आंसर होगा एनीमिया। क्या होगा इसका आंसर? एनीमिया। एनीमिया जो रोग है उससे मरीज पीड़ित होगा अगर कोई डॉक्टर आपको कहे कि दवाइयां लिखता है और साथ ही आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाने का सुझाव दी। अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब ज्वर होता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा पैरासिटामोल। पैरासिटामोल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेग क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेग क्या है, प्लेग क्या है? तो आपका आंसर होगा जीवाणु जनित बीमारी। जीवाणु जनित बीमारी है क्या? प्लेग। जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो अपना चैप्टर था, क्या टॉपिक था, स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित, तो इतने ही वीडियो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इसी में। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा आपके लिए, और अगला जो टॉपिक होगा उससे संबंधित, जो अगला टॉपिक है जल, जल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपके लिए उसका भी वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। अपने चार टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, पर्यावरण पौधे, पर्यावरण जंतु और पर्यावरण भोजन एवं पोषण और स्वस्थ एवं पोषण, इससे संबंधित जो चार टॉपिक हो गए हैं। तो आपने अगर और पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप वह भी देखना ना भूलें। यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं, क्रमबद्ध तरीके से सभी जो पार्ट हैं उनको अपलोड किया है टॉपिक बाई टॉपिक से। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो को देख सकें। और आपको पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सभी विषयों से संबंधित पीडीएफ फाइल आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, निरंतर हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद।